सा था महताजा, फिर वो दिन आया आजा, फिर वो दिन आया आजा, मेरे घर आशाया ही। ओम शांति। आज की तारीख है 13/3/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग श्रीमत देने वाले मीठे मीठे परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जो उनकी श्रीमत पर एक्यूरेट चले, ऐसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे पाप से तुम्हें सुमत मिलती है। हाँ, एक हंसी की बात याद आ रही है। हाँ, कहते हैं ना, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, वो रघुपति राघव राजा राम वाला गीत है, तो कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको श्रीमती दे भगवान। हाँ, तो श्रीमती का दो अर्थ होता है, एक है सदमती देना, श्रीमती माना सदमती, और एक होता है श्रीमती माना पत्नी देना। हाँ, तो बाबा कहते हैं बाप से तुम्हें सुमत मिली है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं, माना संगम युग पर ही वो आश उत्पन्न होती है। सोच लो, आप लोगों को भी कोई वो आश उत्पन्न हुई होगी। उत्तर है, संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आश उत्पन्न होती है। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे, सोचा था कभी? कभी नहीं सोचा। अभी ये नई आश हम बच्चों की उत्पन्न हुई है, यह आश एक बाप ही पूरी करता। ये आश पूरी होने के बाद फिर कोई आश नहीं रहेगी। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, किसके खजाने में? देवताओं के खजाने में। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मैं मोहताज। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है, श्री मत पर मूंझना नहीं है, कभी कुल को कलंक नहीं लगाना है, अर्थात कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। नंबर दो है, बाप के पास जाने के लिए पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं, अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे रहकर माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना। सब फिक्र बाप को दे दिया, जिनकी खुशी गुम हो जाती है, कमजोर हो जाते हैं, उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है, क्योंकि कमजोरी माया का आह्वान करती है। अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे, युद्ध करनी पड़ेगी, इसलिए सदा बाप की छत्र छाया में रहो, क्योंकि याद ही छत्र छाया है। स्लोगन है, जिनका मुरली से प्यार है उनका किससे प्यार है? बराबर वो मास्टर मुरलीधर हैं और मुरलीधर से उनका प्यार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार,
गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति।